अब खबर है जालौर से। संगाणा कस्बे स्थित अटल सेवा केंद्र में राज्य सरकार द्वारा फसली ऋण माफी योजना के तहत मंगलवार को उपखंड के संगाणा ग्राम पंचायत के किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरण करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को लेकर जालौर विधायक अमृत मेघवाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी, लेकिन स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा विधायक के विरोध की पहले से भनक लगने से विधायक तक सूचना पहुंच गई थी, जिस पर विधायक ने कार्यक्रम से विरोध से बचने के लिए दूरी बनाए रखी और विधायक कार्यक्रम में नहीं पहुंची। जबकि इससे पहले ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरण आयोजित कार्यक्रम को लेकर हर ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में बतौर शिरकत करती रही। बता दें कि इससे पहले भी कई जगहों पर विधायक का विरोध और घेरने की खबरें आ चुकी हैं। ऐसे में किसानों के गुस्से का सामना सहकारिता विभाग के कर्मियों को झेलना पड़ा। मंगलवार काफी देर विधायक के इंतजार के बाद दोपहर को शुरू किए गए ऋण वितरण प्रमाण पत्र कार्यक्रम भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और फलस्वरूप सहकारिता विभाग के कर्मियों को भारी विरोध झेलना पड़ा और इक्का दुक्का किसानों को प्रमाण पत्र वितरित कर पर्यवेक्षक और व्यवस्थापक कार्यक्रम से भाग निकले। किसानों का आरोप है कि सरकार प्रमाण पत्र देकर किसानों को भ्रमित कर रही है, जबकि हकीकत में किसानों को प्रमाण पत्र के सिवाय रिकॉर्ड में रुपए माफ नहीं किए जा रहे। किसानों ने बताया कि लघु और सीमांत किसानों के महज 4000 से 4500 रुपए कागजों से माफ किए जा रहे हैं, जबकि 5 और 8 से भी अधिक हेक्टर जमीन वाले के 50000 रुपए जमा कर दिया जा रहा है। किसानों ने सोसाइटी संचालकों के कुछ किसानों से सांठगांठ होने की बात कही। जालौर से गेवराम चौहान की स्पेशल रिपोर्ट।